ओके सो लेट अस कंटिन्यू। ये सात सम्स हो जाने के बाद अभी हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी वाले कुछ सम्स देखते हैं। तो फर्स्ट सम इज वेरी इजी, लैपलेस ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो प्लस साइन के बीच में लैपलेस जो है वो सेपरेट हो जाएगा, और ऑब्वियसली ये जो 4 है वो भी बाहर, तो 4 लैपलेस ऑफ टी स्क्वेयर प्लस लैपलेस ऑफ साइन 3 टी प्लस लैपलेस ऑफ ई रेज टू 2 टी। और अभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। अगर आपने वो पिछला वीडियो जो है बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, गो थ्रू किया है, तो आपको ये समझने में डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। 2 फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू एन प्लस 1, तो वो हो जाएगा 2 अपॉन S³। इसका फॉर्मूला है ए अपॉन S² प्लस A², तो ए के जगह पे 3 है, और ई रेज टू 8t का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन S-A, और ए के जगह पे 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैपलेस ऑफ साइन 2t - cos 2t द होल स्क्वायर। तो पहले तो इसे सॉल्व करेंगे, अलग अलग ऐसे नहीं कर सकते ना इसमें, लैपलेस ऑफ साइन 2t का स्क्वायर माइनस लैपलेस ऑफ कॉस 2t का स्क्वायर ऐसे नहीं कर सकते। अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो हम स्प्लिट कर सकते थे इसे। तो पहले तो इसे सॉल्व करते हैं, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, A² - 2ab + B² तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है वो साइन स्क्वायर थीटा है और ये जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा है। तो दोनों को एक साथ लिख के फिर बाद में उसे 1 लिख लेंगे। तो साइन स्क्वायर 2t यहाँ पे, ये वाला जो कॉस स्क्वायर 2t है उसका प्लस साइन उसके साथ, और ये जो चीज है वो पीछे लिखा है, और ये 2 sin A cos B है। तो 2 sin A cos B हमें पता है कि साइन सॉरी 2 sin θ cos θ इज साइन 2 θ। सो साइन 2t का डबल है साइन 4t। आई होप एवरीवन रिमेंबर्स द बेसिक फॉर्मूला, साइन 2 θ इज 2 sin θ cos θ। सो ऑब्वियसली 2 sin θ cos θ विल बी साइन 2 θ। तो 2 × 2t हो जाएगा 4t। अब ये हो गया 1 और ये बचा साइन 4t। ऑब्वियसली बीच में माइनस साइन है, अभी हम स्प्लिट कर देंगे, लैपलेस ऑफ 1 अलग माइनस लैपलेस ऑफ साइन 4t अलग। 1 का लैपलेस का डायरेक्ट फॉर्मूला ही है 1 अपॉन S, और इसका भी फॉर्मूला है A² + A²। सो नेक्स्ट सम, तो ये है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 4t। तो वापस हमें कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पता है, मैं कॉस हाइपरबोलिक का बात नहीं कर रहा हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता था 1 अपॉन 2 1 प्लस cos 2 थीटा। अब ये जो फॉर्मूलाज का लिस्ट है ना, मैंने ये जो नेक्स्ट वाला जो नोट्स है उसमें सब फॉर्मूला का अच्छे से लिस्ट बना के दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो सेकेंड पेज है यहाँ पे पूरा लिस्ट मिल जाएगा आपको, तो यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। तो मैं ये वाले फॉर्मूला का बात कर रहा हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो हाफ 1 प्लस cos 2 थीटा होता है। तो हाइपरबोलिक में भी वही होता है एग्जैक्टली, तो सेम ही होगा। तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा आया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2 थीटा। तो यहाँ पे हाइपरबोलिक स्क्वायर 4t है, तो अगर थीटा है तो वहां पे डबल होता है, 2 थीटा होता है। तो 4t है तो ऑब्वियसली वहां पे 8t हो जाएगा, डबल हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करके ये चीज मिल गया। अब हाफ बाहर ले लिया 1 अलग से, और cos हाइपरबोलिक 80 का लैपलेस अलग से, और ये तो बहुत सिंपल है, 1 का 1 अपॉन S, और इसका फॉर्मूला के हिसाब से S² - A², जहाँ पे a जो है वो 8 है। सो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सम्स है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो वापस ये भी बहुत सिंपल सा सम है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो अलग से लैपलेस हो जाएगा, इसका भी लैपलेस अलग से हो जाएगा, बट ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बीच में लैपलेस को अलग कर सकते हैं, बट अगर दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है तो उसे अलग अलग लैपलेस नहीं लिख सकते। तो अब मैंने क्या किया, इसे ऑब्वियसली डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था 2 sin A cos B का, तो उसके लिए 2 मिसिंग है, तो मैंने 2 डाल दिया वहां पे, और यहाँ पे हाफ लिख दिया उसे नलिफाई करने के लिए। सो दिस इज हियर 4 बाहर, दिस इज हियर, एंड फॉर दिस आई हैव रिटन इट एज हाफ इनटू 2 दिस थिंग।
सो अगेन ये जो फॉर्मूला है ये भी मैंने यहाँ पे लिखा है, टू साइन ए कॉस बी, वैसे आपको ये पता होना चाहिए था। उसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो आपको ये सब फॉर्मूलेस जो ऑलरेडी आपके 11th 12th में हो चुके हैं वापस आपको मगअप करने हैं। तो क्लियरली यहाँ पे टू साइन ए कॉस बी दिख रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, तो 2t + 3t हो गया 5t, प्लस साइन ए माइनस बी, तो 2t - 3t करेंगे तो -t मिलेगा। अब इसका तो लाप्लास बहुत इजी है, 1/s - 2, यहाँ पे भी 4 बाहर, दिस विल बी 3 × (s^3+1) विच इज 4, -1/2 बाहर, इसका भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है 5/s² + 25। अब यहाँ का माइनस है, तो ये भी हमने बेसिक्स में पढ़ा है कि साइन -θ जो है वो -sin θ होता है, तो वो स्टेप मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो बहुत सिंपल है। तो -sin t है, तो ये जो माइनस हो जाएगा वो यहाँ पे लिखा और साइन टी का लैपलेस ले लिया, सो क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगेन वेरी इजी सम, दिस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, नीचे फॉर्मूले लिखे हैं। अब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो कॉस ए कॉस बी है इसमें ये वाला टर्म तो कॉन्स्टेंट है क्योंकि यहाँ पे टी तो आया ही नहीं है, टी सिर्फ ये वाले टर्म के पास है, तो इसका मतलब कॉस बीटा कांस्टेंट है, तो उसे डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं, लैपलेस ऑफ कॉस ओमेगा टी। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गाय गाय में यहाँ पे 2 cos A cos B वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जैसा हमने पिछले सम में 2 sin A cos B लगाया, वैसे गाय गाय में स्टूडेंट यहाँ पे भी 2 cos A cos B लगा के उसे एक्सपेंड करते हैं। ऐसा करना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही टी के फंक्शंस थे, तो वो करना जरूरी था। अब यहाँ पे ये तो टी का फंक्शन है ही नहीं, तो इसीलिए वो डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा और लैपलेस ऑफ कॉस ओमेगा टी बचेगा। सेम यहाँ पे साइन बीटा बाहर निकल जाएगा और लैपलेस ऑफ साइन ओमेगा टी बचेगा, सो कॉस बीटा इज आउट। कॉस ए टी का जो फॉर्मूला होता है वैसे ही लगाएंगे, इस बार ए के जगह पे ओमेगा ले लेंगे, यहाँ पे भी वही साइन ए टी का जो फॉर्मूला है वो ए के जगह पे ओमेगा लिख दिया। नेक्स्ट सम, एक्सक्यूज मी, cos³θ। अब वापस अगेन आई हैव रिटन द फॉर्मूला ऑफ cos³θ एंड sin³θ, ऑल दीज फॉर्मूलाज आर ऑलरेडी कवर्ड इन योर 11th 12th एंड इफ नॉट ओवर देयर डेफिनेटली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। सो cos³θ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि cos³θ का फॉर्मूला होता है 1/4 cos³θ + 3 cos θ, तो यहाँ पे जो भी थीटा है उसका 3 टाइम्स करना है, दूसरी बार तो ऐसे ही रखना है उसे, तो यहाँ पे 2t है, तो ये जो है वो cos³θ मतलब cos 60 हो जाएगा, आगे 1/4 आ गया और ये हो जाएगा 3 cos θ, थीटा मतलब यहाँ पे 2t। अब वंस ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया तो बहुत ही सिंपल सा, एक्सक्यूज मी, अगेन दिस इज द बेसिक लिस्ट ऑफ फॉर्मूला, आई डोंट थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग ओवर हियर, सो यू जस्ट गो थ्रू दिस फॉर्मूलाज वेरी प्रॉपरली। अगेन पास्कल्स ट्राइंगल भी हमने Maths 1 में किया है जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर कर रहे थे, आगे जब इसका यूज आएगा, जब इसका एप्लीकेशन है, तब आपको मैं बताता हूँ कि ये कैसे यूज करने का है, कैसा बनाया, बनाना तो सिंपल है, आई थिंक ये सब वंस यहाँ पे ऐसे लिख लेने हैं और फिर 1 + 1 होता है 2, 1 + 2 होता है 3, 2 + 1 3, फिर 1 + 3 जो है वो 4, 3 और 3 के गैप के बीच में 6, 3 और 1 के गैप के बीच में 4 एंड सो ऑन, 1 और 4 के बीच में 5, 4 और 6 के बीच में 10, तो ये आपको पास्कल्स ट्राइंगल अपने आप बनते जाएगा। ओके, जस्ट गो थ्रू द फॉर्मूलास एंड नोटेड डाउन। सो अभी ये वीडियो में सबसे पहले ऑब्वियसली आपको ये ऊपर के सम्स जो Part 1 और Part 2 है सभी सम्स करने हैं, और जब ये फॉर्मूला का पेज आता है आप इसे भी कॉपी करेंगे, हो सके तो फॉर्मूलाज 2-3 बार लिख के कर लीजिए, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए सब फॉर्मूलाज। मूविंग ऑन,